बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 24 अगस्त मंगलवार का दिन आपका कैसा बीतेगा, सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं, साथ ही एक काम की टिप भी आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या है आपके लिए सितारों के संकेत आपके नाम के अनुसार? सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। उनके लिए क्या हैं सितारों के संकेत? तो देखिए, आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, यानी धन की प्राप्ति होगी, पराक्रम आपका और बढ़ेगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, समय अनुकूल है। उपाय क्या करें कि गौ माता को रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के से शुरू होता है या आर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? मन की टेंशन दूर होगी, डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी ना करें, यानी जो भी फैसले करने हैं सोच समझ करके करें, और हाँ, किसी के प्रति शक की भावना अपने मन में ना पनपने दें, अपने काम में मस्त रहिए, समय आपके लिए ठीक है। उपाय क्या करें? ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप करें, परेशानी दूर होगी, लाभ होगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी से शुरू होता है, एल से शुरू होता है या एस से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कहीं से पैसा आ सकता है, धन के मामले में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, लंबी दूरी की यात्रा करने से अभी बचें। उपाय क्या करें? किसी गरीब को 1 किलो लाल फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? अनजान लोगों के भरोसे कोई भी काम ना छोड़ें, यानी हर काम अपनी निगरानी पर करना होगा, और हाँ, यदि कोई रिस्की डिसीजन लेना चाहते हैं तो उससे बचने की सलाह दी जाती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, अपने घर वालों की सलाह से फैसले करने का वक्त है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। उपाय क्या करें कि आज हनुमान चालीसा पढ़ के दिन की शुरुआत करें, सारे संकट दूर होंगे। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, ई से शुरू होता है या एक्स से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, बस अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने का समय है, यानी खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खान पान ठीक रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है, यदि कोई दवा ले रहे हैं तो समय पर लेते रहिएगा। उपाय क्या करें कि आज गाय को हरा चारा खिलाएं तो आपके लिए शुभ रहेगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी से शुरू होता है या डब्ल्यू से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे भी फायदा होगा, कहीं से शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है, घर में खुशी और बढ़ेगी, समय शुभ है। उपाय क्या करें कि आज हनुमान जी के मंदिर में पीले रंग की मिठाई, बेसन के लड्डू या और कोई पीले रंग की मिठाई, बेसन की बर्फी का भोग लगाएं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? आपका मान सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को अच्छा फायदा हो सकता है, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अनुकूल समय है, यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं। उपाय क्या करें कि आज हनुमान जी की आरती करिए तो आपको बहुत ही फायदा होगा, हनुमान जी की कृपा मिलेगी। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत?
आपके काम में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी, मन की टेंशन कम होगी, पराक्रम बढ़ेगा, समय अनुकूल है। किसी तरह की घबराहट अपने मन में ना रखें, निडर होकर के काम करें। उपाय क्या करें? ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें, लाभ होगा। अब वक्त हो चला है काम की टिप का। क्या है आज आपके लिए काम की टिप? देखिए, यदि आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए? फोकस नहीं बन रहा है। मन न लगने की एक वजह होती है कि किसी काम में फोकस ना बनना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में मन नहीं लग रहा है, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, अपने काम में मन नहीं लग रहा है यदि, तो आपको क्या उपाय करना है? देखिए, ग्रहों की वजह से, खासकर मान लीजिए केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में काम में मन नहीं लगता। केतु जिस काम को हम कर रहे होते हैं उससे डिटैच करता है। कई बार जो है चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति की वजह से, मान लीजिए कि कुंडली में चंद्रमा छठे घर में, आठवें घर में या बारहवें घर में बैठा है, तो वो भी कई बार जो है काम में मन नहीं लगने देता है। तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे काम में मन लगने लगे? बहुत ही सरल उपाय आपको बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया, उनको फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। क्या करना है आपको कि स्नान ध्यान कर लीजिए और अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जला लीजिए और गायत्री मंत्र का 21 माला प्रतिदिन जाप करिए। नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 21 माला जाप करना है। जिन लोगों को सुबह वक्त नहीं मिलता है वो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन स्नान ध्यान करके साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहन करके अपने घर के मंदिर जहां आपका है वहां एक घी का दीपक जला करके बैठना है। टाइम एक बार जो आपने फिक्स कर लिया वही टाइम रखना है। मान लीजिए आप सुबह के समय करते हैं तो हर दिन सुबह के समय करना है, यदि शाम के समय करते हैं तो हर दिन शाम के समय करना है, यदि मान लीजिए रात में करते हैं 9 बजे 10 बजे आप फ्री होकर करते हैं कोई दिक्कत नहीं, तब भी कर सकते हैं। तो समय, स्थान और आसन फिक्स होना चाहिए, यानी जिस स्थान में बैठ करके करते हैं उसी स्थान में बैठ के करना है, जिस आसन में बैठ करके करते हैं उसी आसन में बैठ करके करना है। ये नियम बना लीजिए, आप देखेंगे कि आपका मन जो है केंद्रित होने लगेगा, काम में मन लगने लगेगा, पॉजिटिविटी डेवलप होने लगेगी और आपका नज़रिया पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाम बनाएगा काम में आज बस इतना ही। नाम में अद्भुत शक्ति होती है, नाम आपके काम को बना सकता है। आप भगवान कृष्ण के नाम का जाप करिए, बहुत फ़ायदा होगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिए, उससे भी फ़ायदा होगा। तो भगवान के नाम जाप से दुनिया में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, इतिहास इस बात का गवाह है। तो भगवान के नाम का जाप अवश्य करना है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना है। हमारे साथ भी बोलिए जय श्री कृष्ण।